एक कैलेंडर ऐसा भी जिसके अक्टूबर महीने में 10 दिन गायब। क्या है 10 दिन आगे पहुंचने की घटना के पीछे का सच? इतिहास के पन्नों में कैद एक अनोखा किस्सा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक रात के लिए सोए हों और अगले दिन जब आप उठें तो आप 10 दिन आगे चले गए हों या 10 दिन पीछे चले गए हों? जी हाँ, अब आप बोलेंगे कि ऐसा अक्सर ही फिल्मों में देखा जाता है और फिल्मों में सबसे बड़ा उदाहरण होगा मार्वल्स की एवेंजर सीरीज का लास्ट एपिसोड एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, जिसमें कि टाइम ट्रेवल के जरिए समय को पीछे किया जाता है और विलेन को हराया जाता है। पर क्या हो कि आप एक रात को सोए और 10 दिन आगे पहुंचने वाली घटना फिल्मों में नहीं बल्कि हकीकत के पर्दे में उतर आए? नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। तो इतिहास के पन्नों में कैद कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी घटनाएं जो शायद ही किसी को पता हो और जिनको जानकर दुनिया तमाम सोच हैरान रह जाए और आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए बताते हैं। दस दिन आगे पहुंचने वाली घटना की अगर बात करें तो हुआ कुछ यूं कि सन 1582 में पोप ग्रेगरी 12 ने फरवरी 1582 में एक पोप बुल पर हस्ताक्षर किए जिसमें सुधारित कैलेंडर को लागू किया गया जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में जाना गया। अब बात आती है कि ऐसा क्या था कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को लाना पड़ा और पुराने कैलेंडर को हटाना पड़ा। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले जूलियन कैलेंडर को 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावक का नाम जूलियन सीजर था, इसलिए कैलेंडर का नाम जूलियन पड़ा। जूलियन कैलेंडर रोमन कैलेंडर के सुधार के रूप में था जो कि काफी हद तक चंद्र सौर कैलेंडर था। चंद्र सौर कैलेंडर कई संस्कृतियों में एक कैलेंडर है जिसमें चंद्र कैलेंडर और सौर कैलेंडर शामिल होते हैं, इसलिए चंद्र सौर कैलेंडर की तारीख चंद्रमा चरण और सौर वर्ष के समय यानी पृथ्वी के आकाश में सूर्य की स्थिति दोनों को इंगित करती है। यदि सौर वर्ष के बजाय नक्षत्र वर्ष का उपयोग किया जाता है तो कैलेंडर उस नक्षत्र की भविष्यवाणी करेगा जिसके पास पूर्णिमा हो सकती है। वर्ष को महीनों में विभाजित करने वाले सभी कैलेंडर की तरह एक अतिरिक्त आवश्यकता यह है कि वर्ष में महीनों की एक पूरी संख्या हो। कुछ मामलों में साधारण वर्ष में 12 महीनों होते हैं लेकिन हर दूसरा या तीसरा वर्ष एक एम्बोलिज्मिक वर्ष होता है जो एक 13वां इंटरकैलरी एम्बोलिज्मिक या लीप महीना जोड़ता है। तो सीजर का कैलेंडर रोमन साम्राज्य में और उसके बाद 1600 से अधिक वर्षों तक पश्चिमी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में प्रमुख कैलेंडर बन गया। जूलियन कैलेंडर में दो तरह के वर्ष होते हैं, 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष और 366 दिनों का एक लीप वर्ष। वे 3 सामान्य वर्षों और एक लीप वर्ष के एक सरल चक्र का पालन करते हैं जिससे एक औसत वर्ष 365.25 दिनों का होता है। जूलियन कैलेंडर हर 129 साल में एक दिन बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में जूलियन कैलेंडर हर 400 साल में 3.1 दिन बढ़ाता है। जूलियन नियम को संशोधित किया कैलेंडर वर्ष की औसत लंबाई को 365.25 दिनों से घटाकर 365.2425 दिन कर दिया गया और इस प्रकार सौर वर्ष के विरुद्ध जूलियन कैलेंडर के झुकाव को सही किया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर 400 वर्षों में केवल 0.1 दिन आगे बढ़ता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इस्तेमाल किए जाने वाला कैलेंडर है। यह पोप ग्रेगरी 12 द्वारा जारी किए गए पोप वोलेंटर ग्रेविसिम्स के बाद अक्टूबर 1582 में प्रभावी हुआ ने इसे जूलियन कैलेंडर के संशोधन और प्रतिस्थापन के रूप में पेश किया। मुख्य परिवर्तन लीप वर्षों को अलग अलग स्थान पर रखना था ताकि औसत कैलेंडर वर्ष 365.2425 दिन लंबा हो जो कि 365.2422 दिवसीय उष्ण कटिबंधीय या सौर वर्ष के अधिक निकट है जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा द्वारा निर्धारित होता है। लीप वर्ष के लिए नियम है कि प्रत्येक वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाज्य होता है लीप वर्ष होता है सिवाय उन वर्षों के जो 100 से पूर्णतः विभाज्य होते हैं, लेकिन ये शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं यदि वे 100 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं। उदाहरण के लिए वर्ष 1700 1800 और 1900 लीप वर्ष नहीं है लेकिन वर्ष 2000 लीप वर्ष है।
तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को स्थापित करने के दो कारण थे। सबसे पहले जूलियन कैलेंडर ने गलत तरीके से मान लिया था कि औसत सौर वर्ष ठीक 365.25 दिन लंबा होता है, जो प्रति शताब्दी एक दिन से थोड़ा कम का अधिक अनुमान है, और इस तरह बिना किसी अपवाद के हर चार साल में एक लीप वर्ष होता है। ग्रेगोरियन सुधार ने विषुवों के संबंध में कैलेंडर के बहाव को रोकने के लिए औसत वर्ष को 0.0075 दिनों तक छोटा कर दिया। ईस्वी सन 325 में निकिया की पहली परिषद के बाद के वर्षों में जूलियन एल्गोरिदम द्वारा शुरू किए गए अतिरिक्त लीप दिनों ने कैलेंडर को इस तरह से भटकाया था कि मार्च विषुव अपनी नाम मात्र किस मार्च की तारीख से काफी पहले हो रहा था। नए कैलेंडर को लागू करने का सबसे अवास्तविक हिस्सा अक्टूबर 1582 में आया, जब वसंत विषुव को 11 मार्च से वापस 21 मार्च पर लाने के लिए कैलेंडर से 10 दिन हटा दिए गए। चर्च ने किसी भी प्रमुख ईसाई त्योहार को छोड़ने से बचने के लिए अक्टूबर को चुना, इसलिए जिन देशों ने नया कैलेंडर अपनाया उनमें 4 अक्टूबर 1582 को सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के पर्व के ठीक बाद 15 अक्टूबर को मनाया गया। गुरुवार 4 अक्टूबर 1582 के बाद शुक्रवार 15 अक्टूबर 1582 था। फ्रांस ने दिसंबर में अलग से बदलाव किया। इसके अलावा सुधार ने ईस्टर की तिथि को गणना करने के लिए चर्च द्वारा उपयोग किए जाने वाले चंद्र चक्र को भी बदल दिया, क्योंकि खगोलीय नए चंद्रमा गणना की गई तिथियों से 4 दिन पहले हो रहे थे, जबकि सुधार ने मामूली बदलाव पेश किए। कैलेंडर मूल रूप से अपने पूर्ववर्ती के समान भूकेंद्रित सिद्धांत पर आधारित रहा। जूलियन कैलेंडर की तरह ग्रेगोरियन कैलेंडर भी एक सौर कैलेंडर है, जिसमें 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने 28 से 31 दिन के होते हैं। दोनों कैलेंडर में वर्ष 365 दिन का होता है, जिसमें लीप वर्ष में फरवरी में एक लीप दिवस जोड़ा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में महीने और महीनों की लंबाई जूलियन कैलेंडर के समान ही है। एकमात्र अंतर यह है कि ग्रेगोरियन सुधार ने हर 400 साल में 3 शताब्दी वर्ष में एक लीप दिवस को हटा दिया और लीप दिवस को अपरिवर्तित छोड़ दिया। लीप वर्ष आमतौर पर हर 4 साल में होता है। ऐतिहासिक रूप से लीप दिवस 24 फरवरी को दोगुना करके डाला गया था। वास्तव में 24 फरवरी को 2 दिन थे। हालांकि कई वर्षों से फरवरी के महीने के अंत में अतिरिक्त दिन डालने का रिवाज रहा है, जिसमें लीप दिवस के लिए 29 फरवरी को जोड़ा जाता है। अपने जनरल रोमन कैलेंडर के 1969 के संशोधन से पहले कैथोलिक चर्च ने लीप वर्षों में 23 तारीख के बाद फरवरी के त्योहारों को एक दिन के लिए विलंबित कर दिया था। पिछले कैलेंडर के अनुसार मनाए जाने वाले सामूहिक उत्सव अभी भी इस देरी को दर्शाते हैं। अधिकांश कैथोलिक देशों ने तुरंत नया कैलेंडर अपना लिया। प्रोटेस्टेंट देशों ने अगली 2 शताब्दियों के दौरान धीरे धीरे इसे अपनाया। अधिकांश रूढ़िवादी देशों ने धार्मिक उद्देश्यों के लिए जूलियन कैलेंडर को बनाए रखा, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में ग्रेगोरियन को अपने नागरिक कैलेंडर के रूप में अपनाया। अगले 3 शताब्दियों में प्रोटेस्टेंट और पूर्वी रूढ़िवादी देश भी धीरे धीरे उस पर चले गए, जिसे उन्होंने सुधारित कैलेंडर कहा। ग्रीस 1923 में कैलेंडर को अपनाने वाला अंतिम यूरोपीय देश था। हालांकि कई रूढ़िवादी चर्च धार्मिक संस्कारों और प्रमुख पर्वों की तिथि निर्धारित करने के लिए जूलियन कैलेंडर का उपयोग करना जारी रखते हैं। संक्रमण काल के दौरान स्पष्ट रूप से तिथि निर्दिष्ट करने के लिए दोनों संकेतन दिए गए थे, जिन्हें उपयुक्त रूप से पुरानी शैली या नई शैली के रूप में टैग किया गया था। 20वीं शताब्दी के दौरान अधिकांश गैर पश्चिमी देशों ने भी कैलेंडर को अपनाया, कम से कम नागरिक उद्देश्यों के लिए। तो यह थी जूलियस कैलेंडर में सुधार यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर को लाने के पीछे की कहानी, कैलेंडर में से अक्टूबर महीने के 10 दिन हटाने और 10 दिन आगे पहुंचने की कहानी। रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह के दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।